सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज़ इन और आज हम बात करने वाले हैं एडम्स फैमिली 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन अपने दूसरे चैनल पे अवेलेबल है जिसको जाके आप देख सकते हो। अभी तक आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। बट ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा द एडम्स फैमिली फर्स्ट जो पार्ट आया था 2019 में वो काफ़ी अमेजिंग है इस पार्ट के अलावा, यानी कि ये पार्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जो एडम्स फैमिली के पूरे लोग हैं, यानी जो जिनको भी ये सीरीज़ पसंद आती है, 1993 की पूरी एडवेंचर एनिमेशन सीरीज़ थी, तो उन लोगों को वही पसंद आती है। ये दोनों मूवी कतई पसंद नहीं आते। जिस पूरे लाइनअप में मैं भी आता हूँ, मुझे भी वो कार्टून पसंद है, बट मुझे ये दोनों भी फिल्म कतई पसंद नहीं आई है। फिर भी मैंने ये फिल्म देख ली है, तो आज हम करेंगे द एडम्स फैमिली 2 का पूरा मूवी एक्सप्लेन। तो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है एक साइंस लैब से, जहाँ पर वेनसडे एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि एक साइंस एग्जीबिशन हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रही है कि भाई कुछ जानवरों के डीएनए चेंज करके अपने इंसानों के अंदर डाल दे, ताकि इंसान थोड़े इम्प्रूव हो सके दिमागी तौर पर। ये सारी चीज़ें वो उसके अंकल जो है फेस्टर उसके ऊपर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट कर देती है, जो कि एक ऑक्टोपस के डीएनए सैंपल को लेके अंकल फेस्टर को लगा देती है, जिसके वजह से उसका अंकल का दिमाग बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लग जाता है। वो एक पज़ल है, वो बहुत ही क्विकली सॉल्व भी कर देता है। और तभी पीछे से ये जो एडम्स फैमिली है वो आ जाती है, जिसको देख वेनसडे को कतई ये पसंद नहीं आया है कि उसके मॉम डैड और उसका भाई इस शो के अंदर आए हुए हैं। फिर ये शो ख़त्म होता है और जहाँ पे फिर विनर की अनाउंसमेंट होती है, बट वहाँ पे विनर किसी एक को ना बनाते हुए सभी लोगों को विनर बना दिया जाता है, जिसके वजह से वेनसडे वहाँ पे उदास हो जाती है कि भाई विनर कैसे चूज करोगे, अगर कोई हारा ही नहीं है तो हम विनर कैसे बने। जहाँ पर साइंटिस्ट साइरस स्ट्रेंज उसे समझाता है, जहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि भाई ये जो वेनसडे का एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जहाँ पर वो वेनसडे से ये भी कहता है कि ये सारी चीज़ें तुमने कैसे की, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो मेरी जगह पे। जहाँ पर ये जो साइंटिस्ट था साइरस स्ट्रेंज, ये एक्चुअल में वहाँ पे खुद मौजूद ना होके वो एक होलोग्राम पे थ्रू हमें देखने को मिल जाता है। फिर ये एडम्स फैमिली आ जाती है घर के अंदर, जहाँ पर अभी रात को डिनर टाइम हो चुका है और अब यहाँ पे सबको आना है डिनर के लिए उस घर के अंदर, जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल है, जहाँ पर सब लोग फैमिली बैठ के खाना खाते हैं। पर वहाँ पर सिर्फ अंकल फेस्टर गोमेज और उसकी वाइफ वो आ जाते हैं, बट बाकी कोई नहीं आता, यानी उसका जो बेटा है वो भी नहीं आता और वेनसडे भी नहीं आती। जहाँ पर वेनसडे ने एक लेटर लिख के भेजा है कि मैं नहीं आऊँगी आज डिनर के लिए, मैं कुछ काम कर रही हूँ। जहाँ पर वो फैमिली के दाव पे सोच के वो भी आंसर कर देती है कि भाई ऐसा भी कुछ सोच रहे हो तो ये भी मत करो। जहाँ पर गोमेज अभी बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है, वो निराश है कि भाई मेरी जो बेटी है वो मेरे से दूर तो नहीं हो रही है। इस वजह से गोमेज ये डिसाइड करता है कि हम जाएंगे एक फैमिली वैकेशन पे, जिसके वजह से उसकी बेटी जो वेनसडे है वो उसके साथ आ पाए और फैमिली को थोड़ा बहुत वक्त दे पाए और फिर ये लोग मिलजुल के रह पाए। इस वजह से गोमेज निकालता है एक फैमिली टूर, जहाँ पर नेक्स्ट डे ये लोग अभी निकल चुके हैं, एक गाड़ी रेडी हो गई है, फेस्टर थिंग्स लंच ये सारे लोग अभी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। तभी वहाँ पे उनका लॉयर आ जाता है जिसका नाम है मिस्टर मुस्टेला, जो आता है और जो ये दावा करता है कि वेनसडे एक्चुअल में एडम्स फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो एक्चुअल में स्विच हो गई थी उसके बर्थ के टाइम पे। उसके बातों को इग्नोर करके एडम्स फैमिली वहाँ से निकल जाती है रोड ट्रिप पर, जहाँ पर मुस्टेला और उसका जो एक साथी है हेंचमैन वो दोनों निकल पड़ते हैं एडम्स फैमिली का पीछा करते हुए, ताकि वो वेनसडे को ये सारी बातें बता पाए और वेनसडे को उन लोगों से अलग कर दे। अब ये लोग निकल पड़े हैं, इनका डेस्टिनेशन सेट है सेलेम मैसेच्यूसेट्स में, बट वहाँ पे जो फेस्टर है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टार्टिंग में, तो उस एक्सपेरिमेंट के वजह से उसके अंदर एक्चुअल में डीएनए आ गया है ऑक्टोपस का, तो वो ऑक्टोपस के तौर पे ही रिएक्ट करने लग जाता है, जो कि बीच में ही उसका डेस्टिनेशन चेंज कर देता है। और ये लोग आ जाते हैं नायगरा फॉल्स की तरफ, जहाँ पर थोड़ी बहुत नोकझोंक सी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, और फिर उसके पीछे भी वहाँ पर आ जाता है मुस्टेला, जिससे गोमेज को पीछा छुड़ाना है। तो ये लोग कूद जाते हैं नायगरा फॉल्स के अंदर, जहाँ पे वो रुकते हैं वहाँ का नाम है स्लीपी हॉलो। वहाँ पर रुकते हैं, नाइट का टाइम है, सब लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, वहाँ पर वेनसडे नहीं है,
वेनसडे अकेले ही अपना टाइम स्पेंड कर रही है। अभी ये लोग बॉनफायर करते हुए स्टोरीज जो शेयर कर रहे थे, उसी के बीच में अपना जो फेस्टर है वो स्टोरी एक शेयर कर देता है कि भाई जब वेनसडे पैदा हुई थी ना, तब मैं गया था उस डिलीवरी रूम के अंदर जहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, जहाँ पर मैंने हमारे वेनसडे को भी देखा, और फिर उसने कैसे क्या बच्चों को खिलवाड़ किया, कैसे क्या स्विच किया, वो भी उसके तरफ से सुनने को मिल जाता है। फिर अगले ही दिन इन लोगों की गाड़ी मुड़ती है मायामी की तरफ, जहाँ पर उसके कजिन से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम है डेलमेया। और फिर ये लोग जाते हैं ग्रैंड कैनन की तरफ, जहाँ पर ये छोटा सा लड़का उस ग्रैंड कैनन को पूरा तबाह कर देता है। फिर वहीं पर ये लोग रुक जाते हैं, जहाँ पर वेनसडे मुस्टेला को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है कि आखिरकार तुम हो कौन, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, ये सारी चीज़ें पूछ रही है। साथ ही साथ ये भी पूछ रही है कि मैं एडम्स फैमिली का हिस्सा हूँ या नहीं। जहाँ पर वो जो लॉयर है मुस्टेला, वो बताता है कि मैं साइरस के लिए वर्क कर रहा हूँ, वही तुम्हारा असली पिता है जो तुम्हें साउसालिटो कैलिफोर्निया बुला रहा है। फिर वो रात को एक डीएनए टेस्ट करती है गोमेस के हेयर्स मिला के, जहाँ पर उसका रिजल्ट मैच नहीं करता, जिसी की वजह से वो उसकी फैमिली छोड़ के रात में ही निकल जाती है, जहाँ पर उसके साथ साथ लर्च भी उसके पीछे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेनसडे आखिरकार साइरस के घर में पहुँच चुकी है, जहाँ पर साइरस उसकी बेटी और उसकी वाइफ से मिलाता है, जहाँ पर वो ये जो एनिमल और ह्यूमन का हाइब्रिड बनाने का फॉर्मूला है वो भी उससे ले लेता है और उससे बातचीत करता है और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर रोक लेता है, जहाँ पर हमारी वेनसडे रेडी हो जाती है वहाँ पर रुकने के लिए और साइरस को अपना फादर भी मान लेती है। इधर एडम्स की फैमिली पूरी ढूंढ रही थी इधर उधर की कहाँ गई है, तो उनको एक आइडिया आ जाता है कि वो यहाँ पर हो सकती है। तो ये पूरी एडम्स फैमिली पहुँच चुकी है अभी साइरस के घर के अंदर, जहाँ पर इन लोगों को एक दिन के लिए रोकने के लिए कह देती है हमारी वेनसडे। और वेनसडे ये भी कहती है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, मेरी फैमिली यानी जो मेरे फादर है वो साइरस ही है, एडम्स फैमिली के साथ मेरा कोई अभी रिश्ता नहीं है क्योंकि मैं उनके फैमिली में जन्मी नहीं हूँ। जहाँ पर साइरस की जो डॉटर है ऑफेलिया, वो एक्चुअल में एक पिग है और उसकी जो वाइफ है वो एक्चुअल में एक पिकॉक की तरह हमें देखने को मिल जाती है। फिर इधर गोमेज अपनी डॉटर को वापस पाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है उधर रुक के ही, तभी उनके पीछे आ जाता है साइरस, जो साइरस कहता है कि हाँ मैंने ही ये सारी चीज़ें की थी, मैंने ही वो फेक डीएनए बनाया था, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि साइरस वेनसडे उसकी डॉटर है। फिर इधर हम लैब के अंदर देख रहे हैं कि साइरस और वेनसडे मिलके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस वजह से वो पूरा लिक्विड तैयार कर सके, जिससे ह्यूमन और एनिमल का एक हाइब्रिड क्रिएट की जा सके, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, जो कि वेनसडे ने रेडी कर लिया था। अब ये फार्मूला एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई ना कोई आदमी तो चाहिए, तो वहाँ पे साइरस ने एडम्स फैमिली को ही कैद कर लिया है उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे। उसके बाद साइरस को रोकने के लिए वेनसडे आगे बढ़ती है, जहाँ पर साइरस वो लिक्विड छोड़ देता है उन ट्यूब्स के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर एक्चुअल में एडम्स फैमिली कैद है। तभी वहाँ वेनसडे लॉरेंस को बुलाती है और उसे रोकने के लिए कह देती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिस फाइट की वजह से एडम्स फैमिली छूट जाती है और बाहर आ जाती है, जहाँ पर अभी ये जो साइरस है ये एडम्स फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश फिर से कर रहा है। तभी वहाँ फेस्टर आ जाता है जो कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑक्टोपस में, जहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म होते ही इन लोगों को वहाँ से बचा के बाहर ले आता है और फिर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी वेनसडे फेस्टर को पूरा ठीक कर देती है। अब वेनसडे घर लौट आई है, जहाँ पर उसको पता चल चुका है कि साइरस ने उसका डीएनए एक्चुअल में फेक क्रिएट कर दिया था। फिर वेनसडे गोमेस को पूछती है कि आखिरकार मेरा डीएनए क्यों फेक निकल के आया था जब मैंने तुम्हारे बाल के ऊपर से डीएनए टेस्ट किया था। तब गोमेस बताता है कि वो एक्चुअल में फेक बाल थे, टोपू थे, इस वजह से वो फेक आया था। तो उसके बाद गोमेस प्रॉमिस करता है पूरे एडम्स फैमिली को कि अगली बार हम जाएंगे वर्ल्ड टूर पे नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों मूवी हो जाता है ख़त्म। एक ठीक ठाक सी फिल्म, एक ठीक ठाक सी कॉमेडी, बट हाँ अगर आप एडम्स फैमिली के एनिमेटेड शोज के फ़ैन हो तो आप ये मूवी कतई मत देखो। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक लाइव एक्शन वाली फिल्म आई थी पुराने ज़माने में, वो आप जाके देख सकते हो। इस दोनों एनिमेटेड मूवी से कोसों कोसों दूर रहना,
ओवरऑल ठीक ठाक है, बच्चों के लिए अच्छी है। जिन्होंने अभी तक एडम्स फैमिली नहीं देखी है, पहला पार्ट देखा होगा तो ये पार्ट आप फॉलो कर सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आए दिन हम ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवी सीन।